Hey guys, welcome back to the channel. This is your friend Vishu from Cycle Rider Roy. And guys, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो पांच प्रोडक्ट्स जो एज अ साइक्लिस्ट या एज अ राइडर आप लोगों के पास हमेशा होनी चाहिए. बिकॉज अगर ये पांच प्रोडक्ट्स आप लोगों के पास होंगी तो आप कर सकते हो अपने बाइक को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन, जिससे आपकी बाइक बनी रहेगी हमेशा टॉप क्वालिटी में और वो आपको हमेशा एक बेटर परफॉर्मेंस देती रहेगी एक किसी भी न्यू बाइक के मुकाबले. सो आर यू ऑल रेडी टू सी दिस? चलो फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं. So guys, the first product which I recommend, that is isopropyl alcohol. जी हाँ guys, isopropyl alcohol आपके बहुत काम आता है. आप लोगों ने देखा होगा, मैं खुद इसको अपनी बाइक में यूज़ करता हूँ. आप में से जितने लोगों के पास डिस्क ब्रेक है या वी ब्रेक है, उन लोगों के लिए ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि इस लिक्विड की हेल्प से आप अपने डिस्क ब्रेक के रोटर को कर सकते हो क्लीन, जिससे उनमें कोई भी अगर कंटेमिनेशन लगा हुआ तो वो क्लीन हो जाएगा और आपका डिस्क ब्रेक का रोटर बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा. आपकी ब्रेकिंग पावर बहुत अच्छी बनी रहेगी. और अगर आप एक वी ब्रेक यूज़र हो तो इस अल्कोहल की हेल्प से आप अपने रिम को क्लीन कर सकते हो, जिससे आपके ब्रेक पैड्स बहुत अच्छे वर्क करेंगे और आपको एक बहुत पावरफुल ब्रेकिंग अपने बाइक से हमेशा मिलेगी. नॉट ओनली टू बाइक्स गाइज, इसको आप यूज़ कर सकते हो अपने घर पे भी. लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स है कुछ क्लीन करना चाहते हो, उससे आप इसको क्लीन कर सकते हो. अपने मोबाइल फ़ोन को अगर क्लीन करें उससे भी कर सकते हो. इसी के साथ साथ अगर आप एक न्यू ग्रिप इंस्टॉल कर रहे हो, लाइक ESI के ग्रिप या कुछ स्पॉन्ज ग्रिप, उस केसेस में ये बहुत काम आता है. बिकॉज ये इवेपोरेट हो जाता है तो आपके ग्रिप्स आपके हैंडल बार में बहुत इजीली लग जाते हैं. सो गाइज, मेक श्योर आपके पास ये प्रोडक्ट जरूर हो, इससे आपका डिस्क ब्रेक और आपके ब्रेक्स बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे. सो प्रोडक्ट नंबर टू जो मैं रेकमेंड करता हूँ वो है इस तरीके के ग्रीस. जी हाँ गाइज, एक ग्रीस का पैकेट भी आपके पास आपके घर में जरूर होना चाहिए अपने बाइक के लिए. कई बार क्या होता है गाइस कि आप अपने बाइक को असेंबल करते हो या उसको दोबारा सारे पार्ट्स उसके खोलते हो, तो जितने भी उसके नट्स या स्क्रूज होते हैं उसको जब आप दोबारा लगाना चाहते हो तो मेक श्योर आप उसके स्क्रू में हल्का सा ग्रीस करके फिर अपने उसके पॉइंट पे लगाओ, ताकि आपका जो नट है वो उस जगह पे परफेक्टली बना रहे और नेक्स्ट टाइम जब आप उसको रिमूव करोगे तो वो बहुत ईजिली रिमूव हो जाएगा. बिकॉज ऐसा कई बार होता है कि आप उस नट को रिमूव करना चाहते हो और जब आप उसको रिमूव करने की कोशिश करते हो तो इतना ज़्यादा टाइट रहता है कि ऊपर का जो बोल्ट का पॉइंट होता है वो ही बिल्कुल राउंड हो जाता है, जिसके वजह से वो बोल्ट फिर नहीं निकल पाता. और अगर आप उसको निकालने के लिए किसी शॉपकीपर के पास जाओगे तो वो आपसे बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करेगा. सो ऑलवेज मेक श्योर कोई भी पार्ट अगर आप अपने बाइक में स्क्रू इन कर रहे हो, चाहे वो हब हो, चाहे वो न्यू बॉटम ब्रैकेट हो, या चाहे वो ब्रेक लीवर के स्क्रूज हो या कैलिपर के स्क्रूज हो, आप ऑलवेज थोड़ा सा ग्रीस उसमें अप्लाई करके तभी उनको लगाएं, जिससे आपका बाइक बहुत अच्छा मेंटेन रहेगा और उनके स्क्रूज भी बहुत अच्छे तरीके से बने रहेंगे. तो गाइस बात करते हैं प्रोडक्ट नंबर थ्री की तरफ. जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो है इस तरीके का एक डीग्रीजर, मतलब WD-40 या ज़ोरिक 88, और एक ल्यूब्रिकेंट जो आपके पास हमेशा होना चाहिए. गाइस WD-40 और ज़ोरिक 88 का आपको पता ही है कि अब कितने काम आता है. ये आपके चेन को डिग्रीज करने के काम आता है, अगर कहीं पर रस्ट लग गया है तो उस रस्ट को ही रिमूव करने के काम आता है. कोई पार्ट अगर आपके बाइक में अटक गया है बहुत ज़्यादा टाइट होने की वजह से या रस्ट की वजह से, उसको भी रिमूव करने में ये बहुत काम आता है. और ल्यूब्रिकेंट का यूज़ तो गाइस हम सभी को पता है, मैं यूज़ करता हूँ ये बिटवीन का ल्यूब्रिकेंट. आप चाहो तो कोई भी ल्यूब्रिकेंट यूज़ कर सकते हो जो मार्केट में अवेलेबल है. स्विंग मशीन या सिलाई मशीन का जो ऑयल होता है आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो. बाकी इन सभी के लिंक्स मैं कोशिश करूँगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करने के. तो चलो गाइस अब बढ़ते हैं हमारे प्रोडक्ट नंबर फोर की तरफ. ऑलराइट गाइस, प्रोडक्ट नंबर फोर जो एज अ साइक्लिस्ट एज अ राइडर आपके बहुत काम आता है वो है ब्रशेज. जी हाँ, इस तरीके के ब्रश आपको मार्केट में यार 10 से 20 रुपए का मिल जाएगा. ऑनलाइन खरीदोगे तो थोड़ा सा महंगा मिल सकता है, 40-50 रुपए का. ऐसे ब्रशेज़ का यार इस्तेमाल आप कर सकते हो अपने टायर को क्लीन करने के लिए. कई बार क्या होता है कि आपके टायर में छोटे छोटे पत्थर घुसे हुए होते हैं उनके थ्रेड्स में, जिसके वजह से कई बार वो टायर डैमेज करते हैं और हो सकता है कि पंक्चर भी हो जाए. तो इस तरीके का एक ब्रश आपके पास ज़रूर होना चाहिए. इसी के साथ साथ गाइज, मैंने अपने एक्सेसरीज़ के वीडियो में बताया था कि इस तरीके का चेन क्लीनर टूल भी आपके काम आ सकता है, जो आपके चेन को क्लीन करने के काम आता है. बट ये थोड़े से महंगे होते हैं, तो कई बार होता है कि हम लोग इसको ना खरीदें. तो ऐसे केसेस में आप यूज़ कर सकते हो ऐसे ब्रशेस का, जिनको दोनों को आप इस तरीके से एक साथ लगा के आप चेन को अपने क्लीन कर सकते हो, जिससे आपकी चेन की मेंटेनेंस बनी रहेगी और आपको एक लॉन्ग लाइफ आपके चेन से और उसके डिरेलर उसके गियर्स से आपको मिलती रहेगी. सो मेक श्योर गाइस कि ये प्रोडक्ट भी आपके पास ज़रूर होना चाहिए अगर आप राइड करते हो तो. राइट गाइस, ये पांच चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी अगर मैं इस लिस्ट में ऐड ना करूं एक मल्टी टूल के सेट को.
जी हाँ गाइज, मैं ऑलवेज रिकमेंड करता हूँ कि आपके पास एक मल्टी टूल का सेट हमेशा होना चाहिए, बिकॉज ये आपके बहुत काम आता है। आप हर बार तो अपने बाइक के पार्ट्स को खोलने के लिए दुकानदार के पास नहीं जा सकते या जो सर्विस करते हैं उनके पास नहीं जा सकते। राइड करते हुए भी आपको इस तरीके का टूल बहुत काम आता है कि छोटे मोटे मेंटेनेंस अगर आपको राइड के बीच में ज़रूरत पड़े, और जिस तरीके से अभी रिसेंटली सेट बाइक हैक्स ने भी बताया था, आप इस तरीके के मल्टी टूल का यूज़ करके एज अ फोन स्टैंड भी यूज़ कर सकते हैं अपने वीडियोज़ को रिकॉर्ड करने के लिए। सो गाइज, ये थे वो 5 प्रोडक्ट्स यार जो आपके बहुत काम आते हैं। आपको क्या लगता है कि इन प्रोडक्ट्स में से मैं क्या कोई एक चीज़ भूल गया हूँ? अगर ऐसा है तो आप नीचे मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताओ कि आपके हिसाब से और क्या प्रोडक्ट्स हम ऐड कर सकते हैं जो एक साइक्लिस्ट के पास होना चाहिए, हम उनको अगले वीडियोस में ऐड करेंगे। सो गाइज, मेक श्योर यू गिव दिस वीडियो अ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और अगर नए हो चैनल पे तो यार सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और साथ ही जो बेल बटन है उसको ज़रूर प्रेस करके रखो। एंड अगर मेरा काम आप लोगों को अच्छा लगा और चाहते हो मेरे रिगार्डिंग और भी अपडेट्स को पाना, मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड माई फेसबुक ID। Till then guys, keep pedaling, stay fit and always smile. Bye bye.